हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मल मैपिंग से क्वेश्चन जिसको पूछा जाता है फाइंड द इमेज ऑफ डोमेन डी रियल जेड इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई बाई टू अंडर द कन्फर्मल मैपिंग डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस जेड अपॉन वन प्लस कॉस जेड। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक रीज़न दिया गया है जो लिखा गया है ज़ीरो रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ लेस देन पाई बाई टू और ज़ीरो के बीच में होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो और पाई बाई टू के बीच में होगी। यानी हमको पहले से ही एक रीज़न दे दिया गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि जेड प्लेन में रीज़न क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इसको देखते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब है x इक्वल टू ज़ीरो सॉलिड लाइन नहीं होगी, तो इसको हम डॉटेड बना देते हैं। x इक्वल टू ज़ीरो मतलब y एक्सिस, और दूसरा होगा x इज़ लेस देन पाई बाई टू। तो पाई बाई टू अगर कोई पॉइंट यहाँ पर ये पॉइंट अगर पाई बाई टू है तो पाई बाई टू से लेस, यानी कि ये भी सॉलिड लाइन नहीं होगी। इन दोनों के बीच का रीज़न हमको दे रखा है, ये रीज़न। इसको ट्रांसफॉर्म करना है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है w इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस जेड अपॉन वन प्लस कॉस जेड से हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि w में इसकी इमेज बतानी है, क्या इमेज होगी, वही इमेज हमको फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन ले लेते हैं, पहली लाइन ले लेते हैं ऑन द लाइन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ले लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज द जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे तो होगा पाई बाई टू प्लस आई वाई, ये वैल्यू पुट करेंगे हम अपनी मैपिंग में। देयर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस आई वाई अपॉन वन माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस आई वाई। वैल्यू सॉल्व करते हैं, वन माइनस साइन पाई बाई टू के साथ चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन आई वाई अपॉन वन ये वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव है पाई बाई टू से चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव थी तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई वाई। अब साइन आई वाई, सिंस साइन आई वाई ये हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ये होता है आई साइन हाइपरबोलिक बाई, चेंज कर देते हैं वन प्लस आई साइन हाइपरबोलिक बाई अपॉन वन माइनस आई साइन हाइपरबोलिक बाई, ये वैल्यू है डब्ल्यू की। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से मॉड ऑफ डब्ल्यू ले लेते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ डब्ल्यू एक सर्कल बनाता है, देखते हैं कि सर्कल बन सकता है। अंडर रूट वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई, इनके अलग अलग मॉड्स हो गए, पॉजिटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू वन, यानी कि इस फंक्शन का मॉड हमको डब्ल्यू मॉड इज इक्वल टू वन दे रहा है। इसका मतलब है कि जो मैपिंग है वो एक यूनिट सर्कल, क्योंकि वन निकल गया है तो W प्लेन में एक यूनिट सर्कल बनाएगा। अभी इस कंक्लूजन तक हम पहुँचे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं दस द लाइन x इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि ये एग्जैक्ट x इक्वल टू पाई बाई टू नहीं है, हमें ये याद रखना है कि ये x की वैल्यू लेस देन पाई बाई टू थी, लेकिन हम लेकर चल रहे हैं x इक्वल टू पाई बाई टू। देन इन ये जेड प्लेन की बात हो रही है, यहाँ पर ये जेड प्लेन, तो मॉड ऑफ w की वैल्यू वन आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो रीज़न होगा w प्लेन में वो समथिंग ये, यानी कि लेस देन वन होगा, इंटीरियर होगा। आगे ये जेड प्लेन की बात थी और ये डब्ल्यू प्लेन, आगे आगे बढ़ते हैं।
फॉर लाइन x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू ज़ीरो पर जब वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो सिर्फ आई वाई रह जाएगा। ऐसी कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं, w इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस आई वाई रह जाएगा अपॉन 1 प्लस कॉस आई वाई रह जाएगा। हाइपरबोलिक में चेंज कर देते हैं, तो इसमें i नहीं आता है, तो 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक बाई अपॉन 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक बाई, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कॉस आई वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बाई। आगे w इज इक्वल टू 1 माइनस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू लगा देते हैं, e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस वाई होल अपॉन 2, और दूसरा होता है 1 प्लस वाई, सेम वैल्यू लगे, e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो आएगा 2 माइनस e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस वाई, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस वाई, वन अप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर 2 आएगा, 2 प्लस e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस वाई। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि w की वैल्यू कैसी है, रियल है, ये एक रियल वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं इसमें। तो यहाँ पर w की वैल्यू को हम रियल पार्ट में ही देखेंगे, तो रियल पार्ट के लिए सबसे पहले w की वैल्यू को चेक करते हैं कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम w को लिमिट के साथ सॉल्व करेंगे एट y इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पर, अगर माइनस y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो तो ऐसी कंडीशन में w की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या, वैल्यू रखते हैं 2 टू दी पावर e टू दी पावर y माइनस e टू दी माइनस y अपॉन 2 प्लस e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y इन्फिनिटी रखते हैं, तो क्या वैल्यू हो सकती है चेक करिए, तो चेक करते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, सॉल्व करने के लिए क्या करें, e टू दी पावर माइनस आई, e टू दी पावर माइनस आई वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 e टू दी पावर पॉजिटिव आई, पॉजिटिव e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस वाई ले लेंगे, तो फिर से पॉजिटिव y, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2y और माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, होल अपॉन e टू दी पावर माइनस वाई यहाँ से भी ले लेंगे, तो 2 e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर 2y प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट पुट कर देते हैं, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म एंड ये टर्म, ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव वैल्यू पुट की जाएगी, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 2 e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये प्लस 1, तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी, तो माइनस 1 अपॉन 1 वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो यहाँ से w की वैल्यू y इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पर माइनस 1 वैल्यू दे रहा है। दूसरा देखते हैं, एंड w की वैल्यू 0 पर क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 0 पर क्या फंक्शन की वैल्यू होगी, तो 2 माइनस e टू दी पावर y है तो 0 लगा देंगे, माइनस e टू दी पावर 0 लगा देंगे, ये 0 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस e टू दी पावर 0 प्लस e टू दी पावर 0, तो ये सभी वैल्यूज 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 पर तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जा रहा है। फिर हम चेक करेंगे, एंड w की वैल्यू एट y इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी हो चुका है, इन्फिनिटी पर चेक करेंगे, यानी पहले हमने चेक किया माइनस इन्फिनिटी पर, फिर वैल्यू चेक की 0 पर, फिर वैल्यू चेक करेंगे इन्फिनिटी पर, तो चेक करते हैं, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी 2 e टू दी पावर
वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन टू प्लस ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, वाई टेंस टू इन्फिनिटी। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ई टू द पावर पॉजिटिव वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू वाई हो जाएगा। यहाँ पर ई टू द पावर पॉजिटिव वाई कॉमन ले लेंगे तो टू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू वाई हो जाएगा। तो ई टू द पावर पॉजिटिव वाई कैंसिल आउट, वैल्यू पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर से माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर से अपॉन टू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द माइनस इन्फिनिटी। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो माइनस वन अपॉन प्लस वन तो वैल्यू आ जाएगी माइनस वन फिर से। तो डब्ल्यू की वैल्यू एट वाई टेंस टू इन्फिनिटी पर माइनस वन, तो तीनों वैल्यूज यहाँ पर जरा एक साथ लिख लेते हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू वाई टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर माइनस वन है कॉमा डब्ल्यू की वैल्यू वाई टेंस टू या वाई इज इक्वल्स टू जीरो पर जीरो है, फिर से W की वैल्यू y टेंस टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी की ओर जा रही है, सॉरी माइनस वन की ओर जा रही है। तो यहाँ से ये कब हो रहा है, ये हो रहा है इन z प्लेन में जब x की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू जीरो रीजन में। हालांकि अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी वैल्यूज यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो ये सारी वैल्यूज भी कहीं ना कहीं ग्रेटर देन होंगी, ग्रेटर देन होंगी, तो वो पोर्शन हमको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि सॉलिड लाइन यानी कि वाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस वन का मतलब है यहाँ पर ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन, ये मन में रख के चलेंगे क्योंकि हम अभी यहाँ पर एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम शो लिख सकते हैं एज लिख सकते हैं देश shows that z travels along the line x equal to 0 from minus infinity to positive infinity, w travels along the real एक्सेस फ्रॉम माइनस वन टू जीरो, रियल एक्सेस एक्स इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, एंड बैक अगेन जीरो टू माइनस वन। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है हैंस लाइन एक्स इक्वल टू जीरो इन जेड प्लेन करस्पॉन्ड टू ए कट फ्रॉम यू इज इक्वल्स टू माइनस वन टू यू इज इक्वल्स टू जीरो इन डब्ल्यू प्लेन। यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे थे कि ये पूरे फंक्शन की वैल्यू रियल थी एक्स इक्वल टू जीरो पर, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू रियल थी। तो यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब सिर्फ यू होगा, आई यानी वी का टर्म नहीं होगा यहाँ पर, तो यू के लिए ही सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पर। तो यू की वैल्यू जीरो माइनस वन, तो यहाँ पर हम अगर छोटा सा अगर डिनोट करें तो यू इज़ ग्रेटर देन माइनस वन, u इज ग्रेटर देन जीरो एंड u इज ग्रेटर देन माइनस वन, यानी कि इतना ही कट माइनस वन जीरो फिर से माइनस वन, इतना ही कट w प्लेन में आएगा। नाउ अब हम सर्किल के इंटीरियर को प्रूफ करते हैं, तो w इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस जेड अपॉन वन प्लस कॉस जेड दिया गया है। यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे वन माइनस कॉस एक्स प्लस आई वाई अपॉन वन माइनस वन प्लस कॉस एक्स प्लस आई वाई। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हाइपरबोलिक में, तो कॉस डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर कॉस एक्स कॉस आई वाई आ जाएगा, तो
तो आई वाई को हम डायरेक्टली हाइपरबोलिक वाई में लिख देंगे, प्लस आई साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस आई साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ से मॉड ऑफ डब्ल्यू निकाल देते हैं, मॉड ऑफ डब्ल्यू तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ डब्ल्यू को ज़रा ध्यान से देखते हैं। कोई दो टर्म रहेंगे ऊपर के लिए अलग नीचे के लिए अलग, वो क्या क्या होंगे, पॉजिटिव ये टर्म एंड ये टर्म। तो क्या क्या टर्म होंगे देख लेते हैं, वन माइनस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर आएगा, एंड यहाँ पर साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमें पता है क्या पता है कि सिंस कॉस हाइपरबोलिक वाई की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं किसके लिए, वाई की, वाई की सारी वैल्यू अगर पॉजिटिव हैं तो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, ये पॉजिटिव होंगी। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, और इसके साथ साथ कॉस एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर हमको फंक्शन में देखते हैं वन माइनस कॉस एक्स कॉस वाई पॉजिटिव स्क्वायर प्लस, तो वन प्लस कॉस वाई कॉस ये पॉजिटिव टर्म है, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मॉड ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस देन वन हो जाएगी जब कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। और हमको साथ साथ पता है जीरो की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो और पाई बाई टू के बीच में है ऐसी कंडीशन में, तो यहाँ से हमको पता लग गया कि मॉड ऑफ डब्ल्यू यानी कि एक सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन में वो वन रेडियस का है, लेकिन एग्जैक्ट सर्कमफेरेंस उसमें नहीं ली जाएगी, उसके इंटीरियर के सर्किल को माइनस लेस देन का मतलब उसके इंटीरियर सर्किल को ये मैप करेगा। तो यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं द स्ट्रिप x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू पाई बाई टू, यहाँ पर x लेस देन जीरो की बात हो रही है और x लेस देन पाई बाई टू की बात हो रही है इन z प्लेन corresponds to the interior of the unit circle in W plane. Unit circle W plane में बनेगा, लेकिन कैसा रहेगा, वो interior रहेगा। और कट क्या निकलेगा, कट भी हमको पता लग चुका है, यहाँ पर कट निकलेगा u इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड u इज इक्वल्स टू जीरो के बीच का कट निकल जाएगा। तो अब चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, z प्लेन में कट क्या ड्रॉ होगा, तो साथ साथ दोनों को ही एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं, z प्लेन एंड w प्लेन में कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा देखते हैं। तो यहाँ पर हम दो प्लेन बनाते हैं, एक z प्लेन है और एक w प्लेन। अब ध्यान देखना है कि हमको सबसे पहले जो स्ट्रिप दी गई थी वो क्या थी, वो थी ज़ीरो इज लेस देन सॉरी यहाँ पर रियल वैल्यू ऑफ जेड वो ज़ीरो और पाई बाई टू के बीच में है। तो ध्यान रखना है कि रियल वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो और पाई बाई टू के बीच में है, तो इसका मतलब है एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इक्वल टू ज़ीरो को हम मानते हैं वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस एग्जैक्ट सॉलिड नहीं होगी, इसको हम डॉटेड दिखाएंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ y इज इक्वल्स टू जीरो पर आने वाली सारी वैल्यूज़ को हम छोड़ते हैं, और पाई बाई टू पर ऐसे ही रियल वैल्यू की रियल z यानी कि x की वैल्यू पाई बाई टू से बिलो है, इसका मतलब एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। इनकी सारी वैल्यूज़ को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, ये लाइन x इक्वल टू पाई बाई टू है, तो इनके बीच के रीज़न को हम शेडेड कर देते हैं, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमको ट्रांसफॉर्म करनी है इन डब्ल्यू प्लेन, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये रीज़न है
इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन डब्ल्यू प्लेन। तो डब्ल्यू प्लेन में हमको क्या मिला? सबसे पहले मिला है मॉड ऑफ डब्ल्यू इज़ लेस देन वन, तो ये तो बात है। तो सबसे पहले हम इंटीरियर रीजन बनाते हैं। इंटीरियर रीजन कौन सा? वन, वन यूनिट सर्किल का। ये तो इसमें हमारी ये एक्सिस है, यहां पर ये एक्सिस है हमारी, वो एक्सिस कौन सी है? वो है रियल एक्सिस। रियल एक्सिस इसको हम, जब हमने दूसरा इसका कट ढूंढना था, वो कैसे पता लगा था? क्योंकि हमारा जब x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू पुट की गई थी तो पूरे ही टर्म की वैल्यू रियल आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं w की वैल्यू, यहाँ पर w इज इक्वल टू जीरो, या कहीं ना कहीं इसको u इज इक्वल टू टू माइनस e to the power y, ये समथिंग, ये पूरा टर्म रियल था। तो u की वैल्यू के लिए हमने ये सॉल्व किया था। अब u की वैल्यू हमको क्या क्या मिली थी यहाँ पर, कि u की वैल्यू लेस देन, सबसे पहले जीरो, फिर माइनस वन, फिर पहले माइनस वन, फिर जीरो, फिर माइनस वन। तो ये वैल्यू हमको एग्जैक्ट नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब है ये इक्वल टू तो नहीं है, बराबर नहीं है, यानी इससे बड़ी वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है u की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन माइनस वन, और u की वैल्यू फिर से जीरो, फिर आ जाती है u की वैल्यू फिर से माइनस वन। तो यहाँ पर इंटीरियर सर्किल तो होगा, उसके साथ साथ ये पूरा इंटीरियर ना होकर यहाँ की जो सॉलिड यानी u रियल एक्सिस पर, ये वो वैल्यूज छोड़ देगा जो एग्जैक्ट एक्सिस पर हैं, एग्जैक्ट एक्सिस पर हैं। बाद बाकी सारे रीजन को ये शेडिड करेगा, बहुत ही छोटी वैल्यूज होगी जो एग्जैक्ट होगी, लेकिन उससे सारी बड़ी वैल्यूज को ये इन रीजन में इंक्लूड कर लेगा। तो ये रीजन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है इसको छोड़ना पड़ेगा। रीजन को मैं किसी दूसरे पेन से ही बना देता हूँ, देख लीजिए ये रीजन। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया इन जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।